अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वह ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड सम। सबसे पहले हम रिव्यू लेंगे सीक्वेंस का, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ए सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ थिंग्स दैट आर इन ऑर्डर। सीक्वेंस कहता है सेट होता है जो कि खास तरतीब से अरेंज दिया जाता है। ये हमने इसकी एक एग्जाम्पल भी देखी थी, 3 5 7। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो एक ख़ास ऑर्डर के साथ अरेंज किए गए हैं, 3 5 7। अब दोनों में 2 2 ऐड हो रहे हैं और ये क्या सीक्वेंस जो है वो चलता जा रहा है। फर्दर हम इसके से ही एक और टाइप पढ़ेंगे, वो क्या है हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इन अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ईच टर्म इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग दी प्रीवियस टर्म बाय अ कॉन्स्टेंट। कि सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमारे पास जो टर्म होती है वो क्या, कैसे हमारे पास हम उसको फाइंड आउट करते हैं कि जो फर्स्ट टर्म होती है हम उसके साथ किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके सेकंड टर्म लिखते हैं, और वो कांस्टेंट जो है वो थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम रेशो के साथ मल्टीप्लाई होता जाता है। अब इसकी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये है हमारे पास इसकी एग्जाम्पल, 1 2 4 8 12 16 32 64 128 एंड 256। दिस सीक्वेंस हैज़ अ फैक्टर ऑफ 2 बिटवीन ईच नंबर। हर जो है आपके पास डिफरेंस कितने का, मल्टीपल कितने का आ रहा है, 2 आ रहा है। 1 का मल्टीपल 2, 2 का मल्टीपल 4, 4 का मल्टीपल 8। अब देखिए कॉन्स्टेंट जो है वो मल्टीपल इसके साथ हो रहा है, नंबर्स के साथ, तो हमारे पास ये सीक्वेंस ऑब्टेन हो रहा है। ईच टर्म एक्सपेक्ट द फर्स्ट टर्म इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस बाय 2। हर जो टर्म है वो प्रीवियस टर्म से 2 मल्टीप्लाई करने से हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जा रही है। जनरल फॉर्म में हमारे पास जो मैट्रिक्स सीक्वेंस का फार्मूला क्या होता है, ए आर स्क्वेयर एंड ए आर क्यूब। अब इसमें जो ए है वो क्या होता है हमारे पास, हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस में भी डिस्कस किया था, ए इज़ दी फर्स्ट टर्म एंड आर अरिथमेटिक मीन में हमारे पास जो आर होता है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। जबकि हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन में जो आर होता है वो क्या होता है, कॉमन रेशो। कॉमन रेशो को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब भी हमने कॉमन रेशो फाइंड आउट करनी होती है ज्योमेट्रिक मीन में, तो किसके इक्वल होता है, आर सेकेंड टर्म डिवाइडिंग बाय फर्स्ट टर्म। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हम आर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करने से। अब इसकी एक और एग्जांपल हम देखते हैं। हमारे पास ये एग्जांपल है 1 2 4 8, इसको आप देख सकते हैं, ईच नेक्स्ट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ प्रीवियस नंबर। द सीक्वेंस स्टार्ट एट 1 एंड डबल्स ईच टाइम। सो हमारे पास ए वन क्या सीक्वेंस है हम देख सकते हैं 1, और आर हमारे पास कैसे, आर सेकेंड टर्म क्या है 2, 2 को डिवाइड किया 1, तो आपके पास क्या आएगा 2। सो आर आपके पास क्या है 2। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जनरल हमें पता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला क्या है, ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब। अब देखें ए हमारे पास क्या है 1, ए आर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट के साथ क्या कर रहे हैं उनके मल्टीपल को मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं। इसी तरह ही थर्ड पे है हमारे पास 1 into 2 स्क्वेयर। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ टर्म 1 into 2 क्यूब। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जस्ट वैल्यूज पुट की है हमने, और ये देखिए आपके पास जो गिवन सीक्वेंस था वो हमारे पास आ गया है। हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो है बनाते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो है आर शुड नॉट बी ज़ीरो, आर हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास आर ज़ीरो होगा हमारा सीक्वेंस कुछ इस तरह से बनेगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, क्योंकि हर टर्म में आपके पास क्या है, आर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हमारे पास आर ज़ीरो हो जाएगा तो जस्ट हमारे पास फर्स्ट रह जाएगी टर्म, बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे, जो कि ज्योमेट्रिक नहीं है। इस वजह से आपने ख्याल रखना है कि आपके पास आर ज़ीरो ना हो कभी भी। नेक्स्ट रूल हम डिस्कस करेंगे, अगर आपके पास जनरल आपने फाइंड आउट करनी हो कोई टर्म सीक्वेंस की, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। वी कैन आल्सो कैलकुलेट एनी टर्म यूजिंग द रूल। ये रूल यूज करते हुए हम सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, अगर आपको कह दिया जाए कोई 100 टर्म 1000 टर्म,
इससे भी अबव टर्म फाइंड करने को कह दिया जाए तो आप क्या एक जनरल फार्मूला आपके पास होगा जिससे आप कोई भी टर्म इजीली जो है वो इजीली फाइंड आउट आप कर सकते हैं। तो वो फार्मूला आपके पास क्या है, एक्स एन इज इक्वल टू ए आर रेस टू पार एन माइनस वन। अब इसमें आपको पता है आर क्या है कॉमन रेशियो, ए क्या है फर्स्ट टर्म और एन इज अ टर्म नंबर। तो नेक्स्ट हम इसको देखते हैं, अगर हमारे पास एक एग्जांपल गिवन हो 10, 30, ये आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है। अब आप इस सीक्वेंस में देख सकते हैं हर सीक्वेंस क्या है वो मल्टीपल है पीवीएस का, ठीक है। 10 है, 10 के साथ आपने 3 को मल्टीप्लाई किया 30, 30 के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया 90। अब आप देखें इनके बिटवीन जो कॉमन रेशो है वो क्या है 3 आ रही है। तो आपके पास ए क्या है सीक्वेंस है, आप देखेंगे ए आपके क्या है 10, आर आपके पास क्या है 3। द रूल फॉर एनी टर्म इज एक्स एन इज इक्वल टू, आपके पास रूल क्या था, एक्स एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एन माइनस वन। अब ए आपके पास क्या है 10 और आर आपके पास क्या है 3, एन माइनस वन जनरल आ गया। अब आपको अगर कह दिया जाए फोर्थ टर्म फाइंड आउट करें तो इस एन की जगह पे आपने जस्ट 4 पुट कर देना है। सो ये देखें एक्स एन, एक्स और एन की जगह पे आपने 4 पुट कर दिया इंटू 10 इंटू 3 और ये एन की जगह 4 माइनस 1। देन इनको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, 10 एज इट इज़ 4 में से माइनस 1 सब्ट्रैक्ट किया आपके पास 3 आ गया, 3 की पावर 3 के इसके इक्वल होता है 27 के, 10 को 27 से मल्टीप्लाई किया और आपके पास आंसर आ गया 270। इसी तरह अगर हमें कह दिया जाए कि 10th टर्म फाइंड आउट करें तो आप क्या करेंगे, जस्ट एक्स एन की जगह पे 10 पुट कर देंगे, फार्मूला सेम होगा ए आप क्योंकि सीक्वेंस सेम है, ए भी वही है आर भी वही है, 10 माइनस 1 कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिए 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 9 आ गया, 3 रेज टू पावर 9 किसके इक्वल होता है 19683 के इक्वल। देन इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे साथ पास आंसर आ गया। सो आप जनरल फार्मूले को यूज़ करते हुए कोई भी टर्म जो है वो सीक्वेंस की फाइंड आउट कर सकते हैं इन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। आपका फार्मूला है वो जनरल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल्स की और टाइप। अगर हमारे पास एक और एग्जांपल है, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बेसिकली हम ज्योमेट्रिक मीन को ही सीक्वेंस को ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, सीक्वेंस आपको गिवन है, इसमें आपके पास ए क्या है 3, ए टू क्या है 6, ए थ्री क्या है 12। ये किसको डिनोट करें, ए वन फर्स्ट टर्म को डिनोट कर रहा है, ए टू सेकेंड को और ए थ्री थर्ड टर्म को डिनोट कर रहा है, आगे सो ऑन है। अब आपने सबसे पहले आर फाइंड आउट करना है, आर क्या होता है सेकेंड टर्म डिवाइडिंग बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है 6, 6 को डिवाइड 3 से कर दिया और आपके पास आंसर क्या आ गया 2। जनरल फार्मूला आपके पास क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए वन आर रेस टू पार एन माइनस वन। सो एन आपने क्या है आपके पास 5, तो आपने क्या करना है फार्मूला में जहाँ पे एन है वहाँ पे 5 पुट कर देना है। तो यहाँ पे एन था ए एन तो उसकी जगह पे आपने ए 5 पुट कर दिया इज इक्वल टू ए वन आर एन की जगह पे 5 माइनस वन। तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 4 आ गया और 3 एज इट इज़। 2 रेज टू पर 4 मीन 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है आपस में ही, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 16, 16 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपके पास 48। नेक्स्ट एग्जांपल अगर आपके पास कुछ इस तरह से हो, 1 प्लस आयोटा फर्स्ट टर्म 2 4 ओवर 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब इसमें आप देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस आयोटा और अगर आपने आर फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकंड टर्म डिवाइडिंग बाय फर्स्ट टर्म। अगर आपके पास आप देखें आयोटा फॉर्म में आ गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया, ठीक है, आपको नहीं पता आयोटा क्या, सो आप सिंपल इस फॉर्म में ही रहने देंगे। अब एन आपने है यानी कि 11th टर्म आपने फाइंड आउट करनी है,
इसके स्टार्ट में क्वेश्चन था फाइंड द 11th टर्म, सो वो मैंने स्टेटमेंट लिखी, जस्ट सीक्वेंस लिखती है। सो ए एंड एन आपको गिवन है, जनरल फार्मूला जस्ट पुट करेंगे, उसमें एन की जगह पे वैल्यू आप जो है वो पुट कर दें, और आपका क्या होगा, जस्ट उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 2/1 प्लस योटा, ये आपके पास आर था। 11-1, ये आपने फार्मूले की जगह पे एन की वैल्यू पुट कर दी, एन की वैल्यू क्या थी, 11-1 फार्मूले वाला। नेक्स्ट आपके पास अब देखें यहाँ पे 1+ iota है, तो आप क्या करेंगे, iota को डिनोमिनेटर से रिमूव करने के लिए इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज कैसे हम करते थे, कि जो iota के साथ वाला साइन होता था उसको चेंज करें, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से ही डिवाइड कर देते थे। तो ये आपके पास आ गया 1-iota/1-iota, 2×1-iota, और नीचे वाला जो आपने फार्मूला पढ़ा a+b×a-b किसके इक्वल होता है, a²-b²। तो उस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने ये टर्म बना ली डिनोमिनेटर में, जो है क्या आएगा, 1²-iota² और 10 उसकी पावर एज इट इज़ आ गई। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, 1² आपके पास क्या आएगा, 1, और iota का स्क्वायर क्या आएगा, -1। तो ये आ गया, ठीक है, -1, 1+1 क्या हो जाएगा, माइनस iota का -1 आ गया, सो वो -1 साथ होके प्लस हो गया। नेक्स्ट एज इट इज 2×1-1+1 2 हो गए। नेक्स्ट आप देखें 2 2 से कैंसिल आउट, पीछे क्या रह गया आपके पास, 1-iota^10। अब इसको आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में, iota^1-iota² और होल की पावर अगर 5 ले ले, क्योंकि इसको हमने इसलिए ऐसे किया ब्रेक, क्योंकि हमारे पास जो स्केयर का फार्मूला है, इस वजह से हमने इसको 2^5 कर दिया, ताकि हम स्केयर को ओपन करके इजीली सॉल्व कर सकें। तो 1-iota^2 का फार्मूला आपके पास क्या होगा, 1²-2×1iota+iota² होल की पावर क्या आ गया, 5। देन 1² 1 एज इट इज, -2iota, और iota का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल। ये नेगेटिव प्लस से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या रहेगा, -2iota, इनको आपने -2iota^5। अब देखें मल्टीपल का हमने रूल पढ़ा था, अगर a b की पावर 2 हो तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, a^2 b^2। इसी तरह इस रूल को यूज़ करते हुए -2iota^5 है, इसमें आप दोनों के जो है पावर को सेपरेट कर लें, -2^5 को सेपरेट, iota^5 सेपरेट। अब माइनस है, उसकी पावर अगर ओड में आ जाए तो वो माइनस ही रहेगा, लेकिन 2^5 32 होता है, तो माइनस एज इट इज 32 एज इट इज। अब iota 5 है, इसको आप क्या कर लें, ब्रेक कर लें, iota 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं, iota² यहाँ पे iota है i की जगह पे, iota² iota² की वैल्यू क्या होती है, -1 का स्केयर लिया तो 1 आ गया, ये मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है, और iota 7 वाला एज इट इज ही आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट इनको आप मल्टीप्लाई, -32×iota मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये चीज़ आपके पास बन गई। नेक्स्ट आपने क्या किया, -32iota को 1+iota से मल्टीप्लाई किया, -3iota इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देन इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो -32iota×1 -32iota -32iota×iota² हो गया। iota² की वैल्यू आपके पास क्या होती है, -1, वो पुट कर दिया आपने, -1 प्लस हो जाएंगे, +1, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी -32 एज इट इज रहेगा, 32iota, ये आपके पास स्टेप नहीं आएगा, जस्ट यहाँ तक ही आएगा। और अगर आपने ये स्टेप लिखना है फिर तब उस सूरत में आप लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे आप करेक्शन कर ले, --+ 32 हो जाएगा, 32 दोनों में कॉमन है, सो कॉमन ले लिया,
इधर क्या माइनस योटा था, माइनस योटा प्लस वन। एक दफा अगेन देख लें स्टेप को, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर ओपन किया तो उसकी वैल्यू माइनस वन आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, 32 इंटू वन 32 आ गया आपके पास। यहाँ पे माइनस 32 आयोटा एज इट इज ही रहा। अब दोनों में देखें आप 32 कॉमन आ रहा है, सो 32 हमने कॉमन ले लिया और इधर आयोटा रह गया, आयोटा एज इट इज, और इधर 32 कॉमन ले लिया तो इस जगह पे वन रह गया, सो वो वन आपके पास आ गया। तो ये आपके पास कौन सी टर्म आई है, 11th, क्योंकि हम फाइंड आउट क्या कर रहे थे, 11th टर्म को फाइंड आउट कर रहे थे। सो ये आपके पास हो गया ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की अनदर एग्जांपल। जैसे हमने पढ़ा था अरिथमेटिक सीक्वेंस आर समटाइम कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसी तरह ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को भी आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं।